नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब शुरू होने जा रहा आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ। घंटी बजाओ मतलब वो शो जो जनता की आवाज है। हम चाहते हैं कि आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिले। अगर सिस्टम या सरकार की वजह से आप परेशान हैं तो घंटी बजाओ आपकी समस्या की पड़ताल कर हर जरूरी सवाल पूछता है ताकि हर किसी की जिम्मेदारी तय हो सके। आज घंटी बजाओ में बात होगी उस सिस्टम की जिसने देश के लाखों लाख लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। ये टूटे हुए छज्जे, खस्ता हाल दीवारें, लेंटर में हुआ छेद, कमजोर पड़ा बीम, पहली नजर में ये भूतहा इमारत नजर आती है। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है इसमें कुछ महीने पहले तक 120 परिवार जो है वो रहा करते थे। हालांकि बिल्डिंग की स्थिति को देखते हुए बीएमसी और स्थानीय प्रशासन ने इसे जर्जर घोषित कर दिया, जिसके बाद इस बिल्डिंग में से जो सभी परिवार रहने वाले हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। हालांकि बिल्डिंग के लोग ये बताते हैं कि जिनके पास पैसा था वो कुछ साल पहले ही इस बिल्डिंग को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन आज से ठीक एक महीने पहले तक इसमें 60 से 70 आदमी रहा करते थे। हालात बता रहे हैं कि ये इमारत ढहने के करीब है, लेकिन फिर भी लोग इसमें रहने को मजबूर हैं। इस मकान में रहने वालों की दहशत छत पर लगी चादर से समझिए। देखिए सर, यहाँ ऐसे पत्थर गिर जाता है, दीवार गिर जाता है। ये देखो, हम लोग ने कपड़ा लगाया, इधर से कपड़ा लगाया, इधर से कपड़ा लगाया, वो पत्थर गिरता है तो रात को हम लोग को डेंजर रहता है। ये देखो, यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक लगाए, यहाँ से पानी भी आता है। ये सोने के लिए हम लोग ने अपना खुद का संरक्षण के लिए प्लास्टिक लगाया। अपना दर्द विस्तार से बता रहे हैं 73 साल के भुजंग गंगाराम कांबले। भुजंग इमारत की दूसरी मंजिल पर अकेले रहते हैं। यहाँ देखो सर, ये देखो, हम लोग ने कागज लगाया अपना खुद का संरक्षण के लिए। मट्टी नहीं गिरना चाहिए, खाना बनाते वक्त, कुछ खाना खाते वक्त, चाय भी बनाते वक्त मट्टी गिर जाता है सब। इधर क्या हालत हो गया देखो, कोई इधर ना मंत्री कोई आने को देखता है, ना कोई खासदार रहता है। लेकिन सवाल ये कि जब मालूम है कि घर खतरनाक है तो भुजंग इस इमारत में क्यों रहते हैं? ले सकते हैं ना दूसरी जगह पे, हम लोग के पास कुछ है नहीं। कंपनी 22 साल हो गया, हमारा स्वदेशी मिल का एक रुपया भी हमको मिला नहीं है। ये उम्र में मेरे को कोई जॉब देने वाला नहीं है और ना मेरे को जॉब था। तो अभी मैं एक लॉयर के पास काम करता है तो उधर से मेरे को पर डे 300 रुपया मिलता है। ऐसे मुसीबत है, लॉयर के पास कितना दिन काम करेगा? काम रहेगा तो देता है पैसा, नहीं रहेगा तो बताए जाओ आज मैं बाहर जाने वाला है। और अभी 15 दिन हो गया तो उसका बदली हो गया नगर में, तो वो भी अभी 15-1 तारीख से मैं घर में बैठे है। अभी तो जॉब भी नहीं, अभी वॉचमैन का जॉब ढूंढ रहा है इधर उधर, लेकिन उबर के वजह से वो वॉचमैन का भी जॉब नहीं मिल रहा है। सिर्फ भुजंग का कमरा ऐसा नहीं, इसकी बालकनी में जाएंगे तो छज्जे गायब मिलेंगे। न दीवार पर भरोसा न छत का। मुंबई की चूना भट्टी इलाके की इस इमारत में
120 घर हैं जो इमारत की देखभाल न होने से खस्ता हाल हो चुके हैं और इमारत जर्जर। 65 वर्ष के महेंद्र सदाशिव कामले को देखिए, जो छज्जा ना होने से दीवार के साथ लगी रस्सी को पकड़कर अपने घर तक पहुंचते हैं ताकि जरूरत का सामान लेकर जा सके। तो आप अंत में जो है फिर से वापस घर में रहने के लिए मजबूर हो गए? हाँ, मजबूर हो गया बोला तो बाहर जा ही नहीं सकते ना, नौकरी इतना बड़ा नहीं पाता है, वो पैसा नहीं तनख्वाह मिलता है, जो अपने को बाहर रहने को जाने के लिए पैसा मिल सकता है उतना दे सकता है, फिर देगा तो खाना क्या खाएगा, क्या घर चलाएगा, वो हिसाब से हम लोग को कुछ कर नहीं सकते। और ये है 65 साल के विलास सोनटके। इनका जन्म इसी इमारत में हुआ और इन्होंने इस इमारत को अपनी आंखों के आगे जर्जर होते हुए देखा। विलास अकेले कमाने वाले हैं और परिवार के 5 लोगों का बोझ, उनसे ही सुनिए वो इस इमारत में क्यों लौट आए। डर तो लगता ही है लेकिन हमारी मजबूरी है, यहाँ हम रहते हैं, खराब अवस्था है फिर भी हमें यहाँ रहना पड़ता है, पैसे की वजह से हमारे पास पैसा नहीं है और जहाँ कहाँ खरीद नहीं सकते, ना रेंट पे हम बाहर कहीं रह सकते, किसी के पास पैसे उन लोग बाहर खुद के रूम लेके रह रहे, जिसके पास नहीं है उन लोग इधर ही है। ठीक है, मैंने पहले ही इन लोगों को यहाँ से जो है हटा कर अलग अलग जगहों पे रखा गया है, इसलिए कभी कभार ये लोग इस बिल्डिंग में आते हैं और जो सामान है जो नियमित रूप से लोग इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, उस सामान को लेने के लिए इस बिल्डिंग में अक्सर आया करते हैं। कि बहुत ही जर्जर स्थिति में ये बिल्डिंग है, लोग रस्सियों के सहारे अपने घरों तक जाते हैं और घर में जो सामान है वो सामान एक एक करके उस अपने जिस जगह पे उनको ठहराया गया है उस जगह पर वो सामान लेकर जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, मौत का ऐलान करने वाली इस इमारत में लोग लौटने को क्यों मजबूर हैं? आखिर क्यों खतरा भांपते हुए भी जान जोखिम में डाल रहे हैं? तो वजह है, अगर इस छत के नीचे मौत नजर आ रही है तो इस छत से दूर जीने की आस भी तो नहीं। मुंबई में झोपड़ी का किराया भी 10,000 पार कर जाता है और इसीलिए अगर जीना है तो इसी जर्जर इमारत में लोग लौट आते हैं। हमारी परिस्थिति भी है नहीं, क्या जो वोटी जाए रहने को 10-12 हजार रुपया रेंट है उसका, वो हम दे नहीं सकते। हमारी परिस्थिति डाउन होने से कारण हम कहीं रह नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ रहना पड़ता है जर्जर बिल्डिंग में। तो ध्यान रखिएगा, ये उस महानगर में हो रहा है जिसे माया नगरी कहते हैं, जो देश की आर्थिक राजधानी है, जहां नगर निगम का बजट करीब 46,000 करोड़ का है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बीएमसी क्या ऐसे लोगों के लिए पक्का इंतजाम नहीं कर सकती? कि महानगर पालिका इसको देखिए, क्योंकि 10-12 परिवार वापस चले गए, अगर कल कुछ हादसा हो गया और हादसे के बाद कहीं किसी की दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन है? का जिम्मेदार महानगर पालिका होगा। तो मुझे लगता है कि महानगर पालिका कहीं ना कहीं अपना पाला झटक रहा है और महानगर पालिका इसमें अपना जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। सिर्फ ये चूना भट्टी की इमारत अकेली नहीं, मुंबई में ऐसी दर्जनों इमारतें हैं जिनमें कुछ निजी हैं, कुछ बीएमसी की इमारतें हैं, यहाँ तक कि 6 स्कूल भी जर्जर हालत में हैं। ऐसे में सवाल उठता है, जनता से टैक्स वसूलने वाला बीएमसी ऐसी इमारतों का पक्का इलाज क्यों नहीं करती? ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, इष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।